ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਰ ਸੀ, 2 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 1 ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ, 2 ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 1 ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਨੌਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ NDRF, ਪੁਲਿਸ, ਹੋਮਗਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਰ ਸੀ, 2 ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਹਾਲੇ ਵੀ 1 ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि एक इनोवा हमारी सतलुज में गिर गई है, उसमें 3 यात्री थे ड्राइवर को मिला के, उसमें से हमारे एक जो गोपीनाथन जी थे, गोपीनाथ जी, वो IGMC शिमला रेफर कर दिए गए थे और वो कॉन्शियस एंड स्टेबल हैं और IGMC शिमला में ही अभी। जो दूसरे थे तेंजिन जी, आई थिंक वो काजा के रहने वाले थे, उनकी जो बॉडी है वो परसों ही रिट्रीव कर ली गई थी। इसके अलावा जो एक तीसरे यात्री थे वित्री, उनका सर्च एंड रेस्क्यू मिशन अभी जारी है और हमको बट अभी तक कोई सक्सेस मिल नहीं पाई। पिछले कल से NDRF की टीम भी उसमें डिप्यूटेड है और इनिशियल एफर्ट्स जितने भी किए उसमें अभी तक हमको सफलता नहीं मिल पाई है। आज वही सर्च एंड रेस्क्यू एफर्ट्स रिस्टार्ट है। इसमें हमने जो एरिया है, जो पिछले कल तक एरिया था, वो मेजरली हम जहाँ गाड़ी गिरी थी उसके आसपास ही ढूंढ रहे थे। आज थोड़ा सा हमने उस एरिया ऑफ ऑपरेशन को, सर्च एंड रेस्क्यू के एरिया को बढ़ा दिया गया है। उस एरिया को ओवरऑल हमने 5 सेक्टर्स में विभाजित किया है, जिसमें NDRF की टीम्स हैं, पुलिस है, होमगार्ड्स हैं, इवन ITBP एंड आर्मी के जो टीम्स हैं उनको भी डिप्यूट करके सर्च एंड रेस्क्यू में हम लगे हुए हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि सर्च एंड रेस्क्यू मिशन को कंप्लीट किया जाए टाइमली। इंडियन नेवी से भी मदद मांगी है, जिसके बारे में कम्युनिकेशन किया जा चुका है। वी आर होपिंग उनके भी ऑफिशियल जो डाइवर्स की टीम है वो भी यहाँ आज शाम तक या कल सुबह तक यहाँ आ जाएगी। एंड वी आर होपिंग कि सर्च एंड रेस्क्यू मिशन है वो जल्द से जल्द कम्प्लीट हो सके। जहाँ तक बात है जो आप घोषणा की बात करें, तो डेफिनेटली जो फैमिली है उनके फैमिली मेम्बर्स यहाँ आ भी रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो भी शायद आज शाम तक पहुँच जाएंगे और उन्होंने हर संभव जो सहायता हो सकती है उसके लिए उन्होंने हमको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए हैं। इवन दे हैव इन वन ऑफ द व्हाट्सएप मैसेजेस जो उनकी फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी वेत्री को ढूंढने में सफल होंगे उनको हम इनाम देंगे, जो कि बात सही है, वो मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से आई।